हमने देखा कतुआ से लेके उनाव तक और मुजफ्फरपुर से लेके यूपी में दियोरिया तक किस तरीके से बलात्कारियों को ये लोग बचा रहे थे और जो लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे उनके खिलाफ केस डाला उनको सताया है। इस कैंपस में हमने देखा पिछले साल जो एबीपी के लिए वोट मांगता था वो एसएलएफ का प्रोफेसर उसको कैसे ने बचाया है, उसको कंप्लेन जब बाहर निकल के आए बोला कि हमारे खिलाफ लगातार कर रहा है, फिर भी स्वच्छा सर ने उसको बचाया है क्योंकि वो पिछले साल एबीपी के लिए वोट मांगता था। कितना शर्मनाक बात है। मैं इस मंच से उन तमाम बीएचयू के लड़कियों को सलाम करना चाहता हूँ लंका गेट के सामने आके लंका
पुलिस के सामने आके उस जो इंसान के जो उस सेक्शुअल हरासमेंट के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा और वहां पे उन्होंने एक बात बोला और उस दिन उन्होंने ये बात बोला बच्चे की बेटी तभी तो पढ़ेगी। और मोदी जी उसी शहर में थे, उन महिलाओं से मिलने नहीं गए बल्कि उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया। कैसा दे कैसा मोदी जी अरे तेरे कैसा जेंडर जस्टिस है तुम्हारा। आज ये सच्चाई है, हर जगह पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दलितों को कुचल दे रहा जा रहा है। दोस्तों थोड़ा मोदी इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग को बात करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिन पहले ही हमको एक मजेदार खबर आई है, काला धन पे जो सर्जिकल स्ट्राइक था आरबीआई ने बताया, वो सर्जिकल स्ट्राइक दरअसल मजदूर पे था, किसानों पे था, गरीबों पे था और छात्रों पे था, क्योंकि 99% तो पैसा तो वापस आ गया। अब कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक था भाई, वो सर्जिकल स्ट्राइक ने सारा पैसा तो वापस लाया, उस मजदूरों को धोखा दिया और वही स्विस बैंक में इस देश के लोगों का पैसा दुगुना भी हुआ है, इस बात को मानना पड़ेगा। और मोटा भाई छोटा भाई और मोदी का मेहुल भाई ने एंटीगा में सिग्नल जो दिया है, वहां से मोटा भाई छोटा भाई और मेहुल भाई सेल्फी खींच रहे मोदी जी को। आज की खबर है जब चिदंबरम से मिलके गया था विजय माल्या लंदन, वहां से ट्वीट कर रहा है, इस बात को कैसे मानेंगे कि ये लोग पूरे मिले हुए हैं। दोस्तों ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, देश की लड़ाई है, हम सब लोगों की लड़ाई है। जब मैं बात कह रहा हूँ हम सब लोगों की कैंपस की भी लड़ाई है, मैं उन नए छात्रों से अपील करना चाहता हूँ इसको इस तरीके से मत देखिए कि ये कोई बाहर की लड़ाई है या ये कोई अंदर की लड़ाई है। आप लोगों ने भी जब जेएनयू में एडमिशन लिया, जब जेएनयू के ऊपर बाहर से हमला हो रहा था एंटी नेशनल बोलते हुए, उसको खारिज करते हुए 283 रुपीज मॉडल में यकीन किया, उसको सलाम करता हूँ। आज अंदर आने के बाद आपने देखा आपको बिरयानी खिलाने की बात चल रही थी, वाइस प्रेसिडेंट से मिलवाने की बात चल रही थी, ये सब नहीं चला। नॉर्थ ईस्ट के 3-3 मुख्यमंत्री को बुलाया, जब नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स बोले हम अपने मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहते हैं, ये लोग क्या बोले उनको, ये लोग बोले तुम तो आतंकवादी हो, तालिबान हो, तुम तो सिक्योरिटी थ्रेट हो, शर्म आना चाहिए। यहाँ पे खड़े होकर बोलता नेशनलिज्म, इसी देश के लोगों को वो सिक्योरिटी थ्रेट बताता है, शर्म आता है, इसी मंच में उसको कंडम करता हूँ। और दोस्तों ये सच बात है, इस कैंपस में हम लोगों ने पिछले जब 14 तारीख को आप लोग वोट करने जाएगा, आपके सामने दो मॉडल होता है, एक मॉडल है ऑडियंस प्लीज मेंटेन द टेक ऑफ द हाउस, ऑडियंस प्लीज मेंटेन द टेक ऑफ द हाउस। मॉडल जो जेएनयू को खत्म कर देना चाहता है और हमारा फाइट बैक का मॉडल है जो लगातार 2 साल से और पिछले साल से तमाम फाइन और FIR और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बावजूद हम लड़ रहे हैं। आज अगर कंपलसरी अटेंडेंस हम पे थोपा गया है उसको हमने रेसिस्ट किया, इस फांसीवादी सरकार के अंदर 7,000 स्टूडेंट्स ने अपना सिग्नेचर नहीं दिया क्योंकि वो क्लास करने से डर नहीं है बल्कि वो रेजिमेंटेड एप्लीकेशन ऑफ इनएप्लीकेबल माइंड से है। आज अगर जीएसकास्ट को खत्म किया, हम जीएसकास्ट को रिस्टोर करने वाला भी लड़ाई लड़े हैं। पिछले सेमेस्टर में जो लोग बोल रहे जेएनयू ने कुछ नहीं किया भाई, वो बीए और एमए का जो डिलिंकिंग है उसको वापस कौन कराया, जो बीए सेकंड ईयर का लैटरल एंट्री को खत्म किया वापस कौन कराया। आप लोग तो हिपा लोन के बारे में बोलते ही नहीं है क्योंकि आपको डर लगता है हिपा लोन के बारे में बोलेंगे तो फिर आपको लाल भगवा एक है कहां दिखेगा। आप तो उस 283 मॉडल को डिफेंड करने में आएंगे ही नहीं, जैसे 283 मॉडल को आपको बोलना पड़ेगा, आपको उस तमाम लोगों के बारे में बोलना पड़ेगा जो ओडिशा से, आंध्र से, तेलंगाना से, वेस्ट बंगाल से, अरुणाचल से, कश्मीर से, गुजरात से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, वल्नरेबल बैकग्राउंड से जेएनयू आते हैं पढ़ने के लिए। आज उनसे वो पढ़ाई छीना जा रहा है। आज ये जो वाइस चांसलर इस सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है उसको इसी बात पे पैसा मिल रहा है कि वो जेएनयू को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मैं उस एबीपी से पूछना चाहता हूँ क्या इस वाइस चांसलर का रेजिग्नेशन मांगने के लिए वो तैयार है? मुझे नहीं लगता वो तैयार है क्योंकि वो पार्टनर है वाइस चांसलर के साथ इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने में। कैसा, जैसे अभी हमारा वक्ता बोल के गया, गोला बना के बोलता है देखो एंटी नेशनल है, अगर आप प्रोटेस्ट करने जाते हैं अपने हक के लिए लॉन्ग मार्च में
ट्वीट करता है दिल्ली पुलिस को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो एंटी नेशनल प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर आप अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि इस कैंपस में जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन कटिल किया जा रहा है, उनके लिए जो इनके लिए जो उनके लिए रिजर्वेशन लागू करने के लिए मांग किया जा रहा है, आप लिस्ट देते हैं वाइस चांसलर को इन सारे लोगों के ऊपर फाइन डालिए, शर्म आना चाहिए आपको। आज ये सिटी इस कैंपस में हो गया, जो मोदी जिस तरीके से मोदी ने अपने पास फाइनेंस मिनिस्ट्री रख लिया, डिफेंस मिनिस्ट्री रख लिया, सारा मिनिस्ट्री लग गया, मामीडाला जगदीश कुमार भी उसी तरीके से सारा डिसीजन मेकिंग अपने पास ही रख दिया और इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आज हम लोग उस यूनिवर्सिटी को रिक्लेम करने वाले हैं, फाइट बैक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर ये तक जाना पड़े दो चीज होगा, आज इस मंच से मैं खुलेआम डिक्लेयर कर रहा हूँ, मामीडाला जगदीश कुमार और मोदी सरकार आप इस फंड कट को वापस लीजिए, आज इस सीट कट को वापस लीजिए, जो रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा है उसके खिलाफ आप वाइस चांसलर पे एक्शन लीजिए, नहीं तो आपको भी जाना होगा, इस मामीडाला जगदीश कुमार को भी जाना होगा। आज ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, यही लोग हैं जो शटडाउन जेल में नारा लगाए हैं और यही लोग हैं आज सबको एंटी नेशनल बताते, उस नॉर्थी स्टूडेंट को भी बताते, जो भी अपने हक के लिए लड़ते उनको भी बताते। आज 515 करोड़ का लोन थोपा जा रहा है हम लोगों पे, कौन एवीपी अपने फंड से पैसा देगा क्या? नहीं, स्टूडेंट की कमर टूट जाएगी लोन पे करते करते, स्टूडेंट की कमर टूट जाएगी उस फीस पे करते करते। मोदी जी ने जियो को 1000 करोड़ दे दिया, इस यूनिवर्सिटी को पैसा 1 रुपया भी नहीं देने जा रहे वाले हैं। पीएसआर को रेंट पे लगाना पड़ेगा, स्टेडियम को रेंट पे लगाना पड़ेगा, इसीलिए 515 करोड़ के लोन के खिलाफ हम लोग हैं। और जो इंजीनियरिंग बैच शुरू किया उसके बारे में बोलना चाहता हूँ, उसको 60,000 रुपए उससे लिया जा रहा है और उसको कैसे हॉस्टल में रखा, डायरिया हो गया उन लोगों को, शर्म आना चाहिए आपको। बिना फैसिलिटीज का, बिना स्कूल का एक इंजीनियरिंग स्कूल खोल रहे हैं। मैं तो यहाँ से इस मंच से बोलना चाहता हूँ, उस इंजीनियरिंग स्कूल का फीस भी 283 रुपीज होना चाहिए, उनका भी सारा हॉस्टल फैसिलिटीज हम जैसे लोगों का होना चाहिए। आज हम लोग यूनाइटेड लेफ्ट पैनल से हमारा ये एजेंडा है कि हम जिस का रिस्टोर करना चाहते हैं। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।